मैनी कहाँ लगाए और मच कहाँ लगाए। मैनी इंग्लिश में हमेशा ऐसी चीजों को दिखाता है जो काउंटेबल होने के साथ साथ प्लूरल होती हैं। काउंटेबल यानी गिनने लायक और प्लूरल यानी एक से ज्यादा, जबकि मच ऐसी चीजों के लिए बोलो जिन्हें आप गिन नहीं सकते, यानी कि जो अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल चीजें हमेशा कैसी मानी जाती हैं? सिंगुलर। तो एक बच्चे को सीधा सीधा बस ये पता लगाना है कि मुझे दिया गया जो शब्द है वो काउंटेबल प्लूरल है या अनकाउंटेबल है। अगर वो काउंटेबल प्लूरल है तो मैनी सही होगा, और अगर वो अनकाउंटेबल है तो मच सही होगा। जैसे कि उसने कह दिया मैनी बॉयज तो सही है, मैनी गर्ल्स सही है, मैनी बुक्स सही है, मैनी वाटर गलत है क्योंकि वाटर तो अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते आप। आपको क्या कहना चाहिए? मच वाटर। जैसे कि मैनी नॉलेज, कई बार मैंने बच्चों को बोलते हुए सुना है, जबकि नॉलेज अनकाउंटेबल है, क्या होना चाहिए? मच होना चाहिए।